कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा माझी जी कुछ कारणवश विलंब से आएंगी। अभी हमारे बीच उपस्थित है विशिष्ट अतिथि महान विचारक शिक्षाविद कोल्हान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीमान गंगाधर पंडा सर, असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर माननीय ओम प्रकाश गुप्ता सर, शहर के प्रशासनिक गौरव डीएसपी कपिल चौधरी भी कुछ विलंब से आने वाले हैं, विद्यालय के चेयरमैन एवं सीएसआई कंपनी के मालिक माननीय जितेंद्र सारंगी सर, एसएमसी सदस्य अन्नपूर्णा मैडम, विद्यालय के प्रोजेक्ट इंचार्ज सर, शहर के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षेत्र, खेल, शिक्षा, संगीत, कला, रेल कर्मी, कानूनी क्षेत्र, नारी शक्ति के उल्लेखनीय योगदान के लिए समर्पित शहर के गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक, श्रोतागण, कर्मठ विद्वान साथी, मीडिया बंधु एवं देश के भावी कर्णधार विद्यार्थी, आज आपके पावन उपस्थिति से को मैं प्रणाम करता हूं और विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया आप पधारे श्रीमान। मैं संक्षेप में विद्यालय की उपलब्धियों की ओर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सीबीएसई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम का यह विद्यालय वर्तमान में मॉन्टेसरी से 12 साइंस एवं कॉमर्स तक कक्षाएं संचालित होती है। 2008 में स्थापित यह विद्यालय अल्प अवधि में संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र में 10वीं सीबीएसई बोर्ड एवं 12वीं साइंस एवं कॉमर्स में अपना बेहतर परीक्षा परिणाम का परचम 2011 के पहली बैच से लेकर अब तक ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम देता आ रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष आईआईटी, नीट, सीए एवं अन्य क्षेत्र में देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। गत वर्ष भी मनीष कुमार, लोकेश सारंगी ने नीट परीक्षा में 621 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम 100% के साथ 4-5 छात्र नीट एवं आईआईटीएन शहर को प्रदान करेगा। गत वर्ष पूर्ववर्ती छात्र शिवानी झा, रीतिका जायसवाल एमबीबीएस वर्तमान में परीक्षा प्राप्त कर चुकी है। साकेत मोहता मुंबई में आईआईटी का अध्ययन कर रहा है। रोहन अग्रवाल बीएचयू में अध्ययन कर रहा है। प्रेरणा श्री क्लैट की परीक्षा प्राप्त कर नुसरत रांची में अध्ययन कर रही है। कुछ माह पहले सीबीएसई के द्वारा आयोजित आर्चरी में दुरामपुर ने संपूर्ण देश में तृतीय स्थान एवं झारखंड में पहला स्थान प्राप्त कर संपूर्ण झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर संपूर्ण राज्य का नाम रोशन किया। फिलहाल 2-3 दिन पहले ही राज्य स्तरीय योजना वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 2022-23 में अंकुरित प्रधान विजय रहे, उन्हें 80,000 का कैश प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2 दिन पहले ही विद्यालय में डे स्कॉलर विद्यार्थी के साथ साथ 7 छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की आधुनिक सुविधाएं सह पारिवारिक वातावरण के माहौल में गुणात्मक शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक छात्र छात्राओं में यहाँ नेतृत्व क्षमता एवं नैतिक गुणों का को उभारा जाता है। माननीय चेयरमैन सर का अभिप्रेरणा आशीर्वाद विद्यालय को सतत मिलता आ रहा है। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, यह कलम भी दीवानी हो जाती है चेयरमैन साहब जब आपका नाम लिखता हूँ। इतना ही नहीं, सम्मान का सिलसिला और बढ़ा विद्यालय।
विद्यालय की भौतिक सुविधा, शैक्षणिक रचनात्मक गतिविधि सीसीए के माध्यम से दी जाती है। साथ ही छात्र छात्राओं में आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, बौद्धिक के साथ सर्वांगिक विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाता है। मौसम की बहुरूपी थी लेकिन रुख बदल गई। महका गुलाब की खार किस्मत बदल गई। जो आप न होते इस महफिल में होती सोहबत आपकी मिली, इस कार्यक्रम की रंगत बदल गई। वर्तमान में 23 शिक्षक, एक प्रोजेक्ट इंचार्ज एवं 30 शिक्षकेतर कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। मैं अनुभव के आधार पर एक बात कहूंगा कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज अपने माता पिता से संस्कार मिल जाए तो ये बच्चे दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है। देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा का कार्य हमारे शिक्षक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस विचार को सींचने और उसे हरा भरा रखने का काम पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में औसत अंक से पास हो, परंतु उन्हें अगर संस्कार और आदर्शों का सहारा मिल जाए तो कामयाबी का नया इतिहास लिखा जा सकता है। इसलिए अपने अभिभावकों से यही कहूंगा कि समय समय पर विद्यालय में शिक्षकों से मिलें और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। बच्चों को बहुमुखी प्रतिभाशाली बनाने के लिए शिक्षकों का साथ दें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा संकल्प लेंगे और अपने बच्चे को कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ है। सच सच मन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहाँ है। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। सपना वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, सपना वो होते हैं जो लोगों को सोने नहीं देते हैं। अपना वो नहीं होते हैं जो रोने के बाद आते हैं, अपना वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। पुनः आपकी गर्मामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय केपीएस। धन्यवाद सर, आपके विचार और आपकी अभिव्यक्ति की ऊर्जा हमें वाकई ऊर्जा से भर देती है। But we are going to move ahead with our next program, and this is a time on this annual day function, Concert Public School takes the opportunity to honor the people of the city who have done exceptionally well in their respective fields, be it education, be it social work, and be it whatever work they were assigned. They have been a success. They have always worked hard and worked for the society's welfare. This is the time, and we must understand that acknowledging the good work always bring more good into the social system and society. And that is why we'll be moving on to our felicitation ceremony program. And for that, first to felicitate the chief guest. Actually, the chief guest is not here with us, so we'll move ahead with guest of honor, and then we'll be going ahead with dignitaries of the city. So first, I would like to call the Vice Chancellor, Mr. Gangadhar Panda. I'm sorry. To please come on stage, and I request our chairman to escort him to the stage, please, for the felicitation program. Please give a round of applause
द मैन हु सेज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे इफ देयर इज नन वी विल मेक वन. Thank you, sir. I would like you to take the stage for a moment. Next, I would like to call the assistant collector and magistrate, Sri Om Prakash Gupta ji, to come on stage, please. And to escort him, I would request Ratnesh Kumar, sir, project coordinator, to come along with him. A young and inspiring personality here with us. Please give a huge round of applause. Now, I would like to request you to please take the stage for a moment, and we will be requesting you for the further felicitation program. Sir, please, let me help you with this. Nangadhar Panda sir, par unko. Sir, please be here. Gansey Public School take this opportunity to felicitate and honor them. And now I would like to call every personality with their introduction. So before to say their introduction, I want to from this beautiful audience to please bring a round of applause. Good evening. Sorry for interruption. आज ये जो अभी यहाँ पर जो महानुभाव हैं, जिन लोगों को KPS फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, इट इज ओनली ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बिकॉज वी लव पीपल दोज हु एक्सटेंड देयर हैंड फॉर द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. और अगर जैसा बोला जाता है कि इफ वी पुट ऑल अवर फाइव फिंगर्स टूगेदर वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग फिस्ट. और ऐसे ही अगर जवान या भाई या बहन जो भी समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कुछ न कुछ समाज के प्रति कुछ करें और हमारे क्षेत्र को एक अच्छा और उन्नतर समाज बनाने की परिकल्पना करें. थैंक यू. So now my colleague will call the dignitary's name, and please you come forward because it's a matter of pride for us that we are acknowledging for all your good work for the society. Thank you. Thank you. Now I would like to call Mr. Sasi Bhushan Savant, former MLA Chakradharpur. Please round the applause for the audience. I want to this. Krishna Dev Saha, former chairman municipality and from education department at Nageshwar Pradhan, former principal JLN College. Anish Ahmed, CTI Railway. CTI. Pradeep Mukherjee, secretary Association.
से ना सर बोल दे क्या नहीं We all are glad to have this wonderful personality and dignitaries over here. उसको स्लो कर देंगे Public once again a big round of applause for this personality. Thank you to all. Now I will first some more dignitaries. Vinod Bagheria, you are the chairman of Bagheria Foundation. Sir, please come on the stage. Secretary of Anjuman Society, Johnny Bhai. संतोष अग्रवाल मारवाड़ी युवा मंच बाद में इधर से लेंगे डिग्निटरीज फ्रॉम सोसाइटी दे गेव देयर कंट्रीब्यूशन इन फॉर द सोसाइटीज Dinesh Jena, you are a social worker. Please come on the stage. Binay Barman, sir, a social worker. Please give a huge round of applause. Audience, the audience is charming and beautiful audience over here. I would like also to call Neetu Sahu ma'am, a social worker.
Neetu Shahu ma'am, social worker. Manoj Kumar from Goenkera, and he is one of the parent also, social worker. He is also a social worker. I would like to request you all to please make your presence felt with a round of applause for the dignitaries of the city. Sir, thank you. Next ahead with us, I would like your few minutes more, sir, both of you. Next is Mr. Ratan Chatterjee. He is a musician, artist, singer, teacher, a very dynamic personality. He is here with us. And next is also a special one who is actually the man everywhere in Jagadabu, Majar Shamsi ji, to please come. He is also doing the live recording here, but he is a distinguished personality and has made a name in the city for his good work. Next on the list is Mr. Pratap Pramanik, Prabhat Khabar newspaper. Digambar Jha. I would like to call Sambhu Kumar sir from Hindustan newspaper. He is on behalf of Mr. Jay Kumar from Hindustan Times. He is going to take and receive the prize for that.
Next on the list is with us Ram Gopal Jena sir from the news department. Breaking news is very popular in the city. Mr. Jena ji, please come here. Next, here with us is Gopal Kirwal sir, a social worker with us. Thank you, sir. Thank you, everybody. I would like to request Chairman sir to please don the stage for a moment, and I would like to request sir to please come with me. नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे प्यारे परिवारगण और सभी छात्र छात्राओं और अभिभावक, आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित होकर अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। कल ही मैंने शाम को भुवनेश्वर आया था और आज सुबह करीब 9 घंटा रोड में ड्राइव करके, बिकॉज आज सुबह रांची की फ्लाइट नहीं थी, तो मैं ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा। हमारे साथ हमारे एक मित्र मिस्टर विद्युत मिश्रा, वो मुझे ड्राइव करके लेके आए, जो मेरे साथ एक ड्रोन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं भुवनेश्वर में, वो भी इधर हैं। और मैं विद्युत मिश्रा की खास आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने पर काफी मदद किया। और आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे आप सबको देख के और इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के काफी गर्वित महसूस हो रहा है। लेकिन आज के दिन में मैं कुछ संदेश बच्चों को और अभिभावक को और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन को ये देना चाहता हूँ मेरा माध्यम से, कि जीवन में हर इंसान का एक लक्ष्य होगा। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो खाली अपने लिए नहीं, हम पूरे मानव समुदाय के लिए होना चाहिए। तो लेकिन जब हम पहले छात्र होते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम अच्छा पढ़ाई करें। जब हम पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको एक अच्छा रोजगार मिले, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन का देखभाल कर पाएं। फिर धीरे धीरे हम अपना जिंदगी में ऐसा ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम शुरू से ही अगर ऐसा सोचे कि खाली मेरे लिए नहीं, मैं अगर एक अच्छा स्टूडेंट हूं तो मैं और 5 स्टूडेंट को मदद करके उनको भी ऊपर ला सकता हूं उसी तरह से, ताकि उसमें क्या होगा, जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो भी अच्छे कर सके। तो इसीलिए हमने जीवन में कभी भी लक्ष्य जब निर्णय करते हैं, हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए और एक अच्छा उद्देश्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मैं इस जगह से हूं और मैंने भी यहाँ मारवाड़ी उच्च विद्यालय में पढ़ाई किया था हिंदी मीडियम में, और मैंने जाके बाहर में उड़ीसा में पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने सीमेंस में काम किया 15 साल। जब मैंने काम से अवकाश लिया, मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, तो पहला लक्ष्य यह था कि मैं जाके वहां पर एक अच्छा शिक्षा अनुष्ठान का निर्माण करूं, और उसमें आप लोग का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ।
और उसमें से बहुत सारे बच्चे अच्छे थे, लेकिन आप अगर मुझे सही पूछे तो मैं खुश नहीं थी। क्यों? हम लोग एज अ पेरेंट्स, हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हम एक शिक्षा अनुष्ठान से अगर जुड़े हैं, तो हमको ये पता करना होगा कि हमारे बच्चे, उनकी हर तरह की बढ़ोतरी, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सब चीज ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दिनों में मैंने बहुत बार पेरेंट्स को बुलाया, मैं देखा आजकल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा है प्रेजेंस, लेकिन पहले एब्सेंटिज्म ज्यादा रहता था। मुझे ये दुख, ये जान के बहुत दुख होता था, मेरे भी दो बच्चे हैं और मैं भी एज ए पेरेंट्स स्कूल जाता हूँ और वहां पर कोई बुलाता नहीं है, छोटा लाइन लिख दिया जाता है, लेकिन सब लोग समय पे पहुंच जाते हैं। अगर हम लोग हमारे बच्चों की जिंदगी का बागडोर, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स और समाज के जो संरक्षक है, जो लोग समाज के अच्छे वर्ग कहलाते हैं, अगर सब मिल के करें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आने वाले दिन में बहुत कठिनाई है। अभी आप लोग को पता होगा कि अमेरिका में ऑलरेडी 5 लाख जॉब जा चुके हैं, 5 लाख। और अभी मैं तो यहाँ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ तो सिर्फ सरकार की रोजगार है या निजी रोजगार है। लेकिन जहां पर इंडस्ट्री है, अभी कोविड तो गया, फिर हम लोग आए हैं, लेकिन अगेन वी आर गेटिंग इनटू अ बिग रिसेशन। नेक्स्ट 4-5 साल बहुत तकलीफ होने वाला है और इससे ऊपर आने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अपना लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। और लक्ष्य हासिल करना मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाई गया है, हमको अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इकोसिस्टम चाहे पढ़ाई हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई तकनीकी उद्योग हो या कोई निजी उद्योग हो या कुछ कुछ भी, हम कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हैं तो हमको उस पे बहुत अच्छी तरह से अपना पहचान बनाना पड़ेगा। और आजकल इंटरनेट की जमाना है, अभी तो भारत सरकार 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। आजकल हर चीज सरकार की हर रूल्स, रेगुलेशन, हर पॉलिसी, एवरीथिंग नेट में अवेलेबल रहता है और बहुत अच्छे अच्छे चीज है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ 80% लोग इस पर, उनको वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। और आजकल महिला वर्ग को भी काफी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, स्मॉल इंडस्ट्री, MSME, तो इतनी प्रोत्साहन है MSME में कि महिला लोग को 25 लाख अपफ्रंट लोन मिल जाता है। तो अगर हम छोटा कॉटेज इंडस्ट्री करें या कुछ भी करें, तो ये सब जो सुविधाएं हमको सरकार दे रही है, तो हम अगर समाज में अपने जवान वर्ग को, जो भाई हो, बहन हो, जो लोग करना चाहते हैं, अगर उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे तो हमारा धीरे धीरे यहाँ पर इकोसिस्टम होगा। मैं गुजरात में काम किया हूँ, महाराष्ट्र में काम किया हूँ, पूरा देश में किया हूँ। मैं जब सीमेंस में काम कर रहा था, मैं डेयरी इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज में पूरा एशिया पैसिफिक देख रहा था। और हिंदुस्तान में शायद जितना डेयरी है वो सब, बहुत सारे डेयरी हमने बनाया था। और मैंने एक चीज देखा कि कोऑपरेशन विद इन द सोसाइटी जो गुजरात में है, हमारे इधर नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका भी रीजन मैंने पता किया। हम लोग कभी हर समय ये सोचते हैं कि मैं सही हूं, कभी जरूरी नहीं है। और रिलेशनशिप जो है, अगर आप ये सोचेंगे मैं सही हूं, तो कभी नहीं हो सकता है। व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अगर कोई हाँ बोल रहा है, दूसरा ना बोला, तो दुश्मन नहीं है। जो ना बोला उसको भी लेके हमको चलना पड़ेगा, ताकि जो हम हाँ है उस पे अपना अमल रख सके, कि हम उस पे विश्वास जगा सके। और इस तरह से हम एक टीम का डेवलप कर सकते हैं। और जब तक अच्छा टीम नहीं बनाएंगे हम लोग, इस तरह के परस्पर एक सहायता और एक परस्पर एक टीम डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, इस साल का 2022 में वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने चैंपियन बना। यही वर्ल्ड कप, यही चैंपियन लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। तो इनके जो कोच बने,
उन्होंने बोला कि मैं हर जगह के लिए ऐसा खिलाड़ी पैदा करूंगा कि सब ओपोजिशन को गोल मारने में 11 आदमी मिलकर जरूर मार सके। तो उसी तरह हम अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य चाहते हैं, वो एक टीम हो, 5 टीम हो, 7 टीम हो, हम लोग को अपने आप में एक सही होमवर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर हर चीज का स्कोप है। आजकल अल्टरनेटिव एनर्जी बहुत बड़ा माने एक विस्तार पूर्वक चल रहा है। अभी हाइड्रोजन से एनर्जी बन रहा है, अभी सोलर तो अभी पुराना हो गया, अभी धीरे धीरे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से भी बनेगा, जिससे कि आपको जनरेटर या विंड टर्बाइन में जनरेटर की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी जितना सस्ता होगा हम लोग उतना हमारे जो व्यवसाय और उन्नतर होगा, हमारा कॉस्ट कम होगा। और इस पर आजकल जो वर्तमान युवा वर्ग है पूरे देश में अलग अलग तरीके से स्टार्टअप के तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और कुछ न कुछ लेके आ रहा है। मैं ये आपको संदेश इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भी दिल होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे, जैसा हमारे स्कूल से कुछ 10-15 बच्चे अच्छे किए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ये नंबर और बढ़े, 100-150 बच्चे बढ़े। और बच्चे अपने में अभी से ये सोचे, जैसा अभी हम लोग आज ड्रोन सर्विलियंस के लिए है, ड्रोन अपना सर्वे के लिए है, ड्रोन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी ऐसा हो गया कि पेल ऑर्डर जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 300-400 केजी का पेल ऑर्डर लेके ड्रोन उड़ के अपने कंस्ट्रक्शन के काम भी जल्दी कर देता है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज हो गया है, इट इज लाइक एम्बेडेड पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जैसा हम एक मनुष्य है, हमारे शरीर में बहुत सारे भगवान ने दिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी जो चीज है, हम सभी अभिभावक अपने बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि बच्चे इसमें सीखे, समझे और इस पर गहन अध्ययन करे, खुद सेल्फ स्टडी करे, या कहीं पर इसकी जहां पर ट्रेनिंग हो रही है वहां पर बच्चे जाके ट्रेनिंग ले। खाली इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ लेने से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने बताया कि अमेरिका में 5 लाख जॉब किया है, अभी इंडिया में चालू होगा। अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली है, अभी मेडिकोज में चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि हमको एक ऑल्टरनेटिव जो परस्यूट है उसका मैनिफेस्टेशन पे सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग को अपने दिशा निर्देश को बहुत सोच समझ के अपना लक्ष्य को एक स्थिर करना पड़ेगा कि इधर किस डायरेक्शन में हम चले ताकि जीवन में हम अपने जीवन में जीवन को सफल बना सके। तो मेरा पेरेंट्स से आग्रह है कि बच्चों को आप जरूर प्रोत्साहित कीजिए। अगर बच्चे जिद करते हैं, हट करते हैं, मतलब नहीं है कि वो खराब है, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली दे विल कम बैक। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सब बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं और उसी में हम एक बहुत बड़ा ताकत बना सकते हैं और उससे उनका भविष्य भी उज्जवल होगा और हमारा समाज भी उन्नतर होगा। तो आज का ये दिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी महानुभाव को नवाजा गया है KPS फाउंडेशन और कौन सा पब्लिक स्कूल की तरह से, हमारे यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मैं उनका खास बहुत बहुत मेरा तरफ से शुक्रिया धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और इस इवेंट में आप विटनेस किए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हम आगे इस तरह सबका मनोबल को बढ़ाएं और हम लोग एक प्रगतिशील समाज बनाने की कामना करें। ये करते हुए मैं मेरा वक्तव्य यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. I would like to request give him a huge round of applause. This is a man with vision and perspective. When he talks, we are getting mesmerized with his talk. The list of the felicitation, it was miscoordinated a little, but we are here with us, Mr. Sadanand Hota from Red Cross Society and Himanshu Pradhan, sir. Sadanand Hota from Hota Foundation and
Himanshu sir is here with us. I would like to request them and forgive me for the mistakes I committed. Himanshu sir, where are you? He's the man who taught me as well maths. Please give a round of applause for these two distinguished personalities from the city. Thank you, sir. You have been exceptionally kind with us. Now, I would like to request our guest of honor, first, Mr. Gangadhar Panda ji, an educationist, a respected personality, VC, Kolhan University, Chaibasa, to please come on stage for a few words. And I would like everyone to give him a standing ovation. He is a man of status and stature we have not seen. कलिंद नगनंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदिया मतिचुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी At the outset, I must thank Mr. Sarangiji, who has invited me and given the occasion to assemble myself in this august gathering. And he told that he came from Mumbai for this purpose. And continuously he is traveling for hours together. And from Bhubaneswar to this place, it took 9 hours. So, directly he came to this place to encourage us, to encourage the students, to encourage the parents. And I must give my acclamation to his parents who have given them birth. Actually, the founders of this college, of this school, late Kali Prasanna Sarangi and P.N. Sarangi. And he is a great progeny of his father, that he has established this school in the name indirectly, because you know concepts, spelling is different, C-O-N. He has categorically replaced K in place of C because it stands for Kali Prasanna. So this is a, you see, in disguise, he has given the prestige, given the honor to his father. And you might be knowing the meaning of Sarangi. Being a student of literature, I will say that Sarangi means, actually it is not Sarangi, it is Sarangi. So Ra, Da has been changed into Ra. Sada Anga, that means Ved mein chhe anga hota hai. Chhe anga ko padhne ke baad, aadmi Ved padh sakta hai, nahi to uska adhikar nahi hai. Wo chhe anga kya hai? Shiksha, Kalpa, Jyotisha, Vyakaran, निरुक्त और छंद
ये छह अंग को जो पढ़ता है उसके बाद वेद पढ़ता है तो वो षडंगी कहा जाता है। तो षडंगी षट अंग षडंग, जो षडंग को जानता है वो षडंगी है। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस षडंगस एट लिम्स एट सिक्स लिम्स वन कैनॉट रीड वेदर्स। ही विल गेट दैट इलिजिबिलिटी टू रीड वेदर्स ओनली आफ्टर हैविंग मास्टरी ओवर दिस सिक्स लिम्स ऑफ वेदर्स। So that is why his forefathers might have read all the parts of Vedas. That is why it is their surname is Sarangi. So the tradition he has got that that sanskara which he has got from his parents, he has established this school for the benefit of this people of this locality. Especially this is located in a remote area. Though it is not in the heart of the Chakradharpur city, this is a little located in the remote area where the tribal that means tribal people are reading, and they have got the opportunity. So again, with my folded hand, I pray my respects to his parents who have inspired him indirectly or directly to establish this school. And the guest of honor, Mr. Kesla, is also the mathematics. Before joining IAS, he was teaching mathematics for the IITs. So I have a rapport as association. He is here. I also welcome him. And the principal, Dr. Jhaji, and his team. And the dignitaries, if I will name, it will name all of them, it will take time. So I will only tell that those dignitaries who have been, given the honor, so I also pay my respect to them. And the parents and teachers, and last not the least, that is the students who will become sometimes the Prime Minister and President, the daughter of this earth, who was our Honorable, Her Excellency Governor, now she is the President of India. So this honor, this state has given, that means you, if you work hard, you can dream yourself and that even these facilities, that means your dream will be fulfilled and it will be blossom forth. And one day you will see, you will be like these people. And since you have invited me, I will peep into the deep about our educational system. So I will not take much of your time because so many cultural programs are here, which will be staged for your entertainment, and they will showcase the talent of this school. And before us, we'll be enlightened. But before that, in very short, description, I want to give something which will be in form of my advice. आपको मालूम है कि हम लोग भारतीय हैं, हमारे सारी जो परंपरा है वो वेद पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है। और वेद में जो बातें हैं वो घूम फिर करके हमारे संस्कृत में पनप करके आज हमारे सामने है। वेद हमको सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, दी होल वर्ल्ड इज इन ए नेस्ट, दी होल अर्थ इज वर्ल्ड इन ए नेस्ट, दैट इज अयं बीजो परवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंतम वसुधैव कुटुंबकम। सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज इन द वैदिक पीरियड। सो इन दैट टाइम ऑल्सो व्हेन टीचर इज टीचिंग the students, he is telling sahana bhavatu sahano bhunaktu sahavirjam karavavahe tejasvina vaditamastu ma vidushavahe. The essence of this Vedic mantra is we should learn together, we should sit together. It is a discussion, it is a dialogue between teacher and taught. We should work together, we should get progress together, and let the noble thought
come from Heaviside to us. That means a teacher is always telling the welfare, is always seeking the welfare of his taught. That is why the Gurukula system was there. And during our ancient time, जो छात्र है राजा हो या रंक हो ये गुरुकुल में जाता है। आप सांदीपनी के गुरुकुल की चर्चा करेंगे, वहाँ से हमको आया है कि यूनिफॉर्मिटी, वो 25 साल तक जा करके गुरुकुल में रहता है। आप देखेंगे तो जिस गुरुकुल में कृष्ण पढ़े थे उस गुरुकुल में सुदामा भी पढ़े थे और उनका ड्रेस कोड हुई था। जो ड्रेस पहनना पड़ता है श्री कृष्ण बलराम पहनते थे वही ड्रेस जो है सुदामा गरीब विद्यार्थी पढ़ता था। इसका मतलब पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में क्यों कर्ण नहीं पढ़ पाया और अपने बच्चों को क्यों पढ़ाया, ये सब कंट्रोवर्सी है। उसको हम रेसिडेंशियल स्कूल कह सकते हैं या रॉयल स्कूल कह सकते हैं। वहाँ पर केवल वो 105 विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे, 100 कौरव और 5 पांडव, और अपने बच्चा वहाँ पढ़ता है वो मर्सी पर, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका जो कोटा मैनेजमेंट कोटा के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो मर्सी पर, दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता है। लेकिन आप अन्य गुरुकुल की चर्चा करिए, वहाँ पर वही व्यवस्था थी जो हम कर रहे हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, उसमें बिल्कुल कोई भी वैदिक मंत्र में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई ऋषियों ने मांगा नहीं। वो मांगा है कि समाज के लिए मांगा है, जैसे कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, सरंग जी ने बताया कि समाज के लिए जो करते हैं हम उनको पुरस्कृत करें, ताकि उसको देख करके दूसरे लोग उत्साहित रहें। ठीक इसी प्रकार के समाज में उपकार करने के लिए भरद्वाज ने विमान शास्त्र बनाया और अगस्ती ने, ये सारे ऋषियों ने समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की उन्नति के लिए कल्पना की। इसलिए एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम बढ़िया था, गुरुकुल प्रणाली थी और 25 साल तक उसको बोर्डिंग में रहना पड़ता। उसके बाद हमको गुप्त पीरियड में बहुत विकास हुआ, नालंदा कहिए, तक्षशिला कहिए, इन सब गुरुकुल का विकास हुआ। फिर मुस्लिम पीरियड में हम आए, वहाँ पर मदरसा एजुकेशन की व्यवस्था किए और फिर भी उस समय में भी हमारे अनसीन लिटरेचर का रखा गया, कि दारा सिखों ने हमारे उपनिषद को अनेक अपने अरबी और पर्शियन में उसका अनुवाद कराया। जब हम अंग्रेज सिस्टम में आते हैं, लॉर्ड मैकाले ने ये अपने हमको एक शिक्षा व्यवस्था दी है, जिस व्यवस्था के तहत हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। उनका उद्देश्य था देखने में और पहनने में, बात देखने में और पढ़ने में ये लोग भारतीय लगेंगे, लेकिन टेस्ट उनका विदेशी टेस्ट रहेगा। तो इसीलिए संपूर्ण हमारे शिक्षा व्यवस्था को उनने खत्म कर दिया। सो उसके बाद जब अंग्रेजी पीरियड में व्यवस्था हुई, उसके बाद हमको स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 1948 में अनेक कमी, उसके बाद अनेक 47 के बाद कमीशन बने, 1948 में राधाकृष्णन कमीशन, उसके बाद 56-55 में मुदालिर कमीशन, उसके बाद कोठारी कमीशन, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका 1986 में, 72 में मॉडिफिकेशन हुआ। बाद में अब हम NEP 2020 की चर्चा करते हैं, उसमें शिक्षा में अनेक परिवर्तन हो गया। हम चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और बच्चे में संपूर्ण विकास हो और स्किल डेवलपमेंट को हम प्रोत्साहन दें। पहले स्किल डेवलपमेंट था, लेकिन उसको 64, जिसको हम 64 कलाएं कहते थे, उसमें हर गांव जैसे आत्मनिर्भर था। हम पढ़ाई लिखाई करते थे, हमारे लिए सेवा करने के लिए हम विनिमय एक्सचेंज करते थे, और नाई हो, धोबी हो, या कुम्हार हो, या ब्लैकस्मिथ हो, जो भी हो, पोर्टर हो, और अपने अपने परस्पर में रहते हैं। आजकल जो है सब कमर्शियल हो गया, सब सिस्टम हो गया, स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी को दिखाते हुए, जैसे कि और नौकरी की कल्पना आप छोड़ दीजिए, तो स्किल डेवलपमेंट करके आप खुद भी रोजगार करिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, हायर एजुकेशन में
अगर बटनी डिपार्टमेंट में एक और सब्जेक्ट वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में हॉर्टिकल्चर लेता है तो वो शहर में यहाँ पर अगर होटलों को वो हॉर्टिकल्चर की सेवा दे करके उनका गार्डन का डेवलपमेंट कर सकता है, उसको नौकरी क्या है, वो तो 50 आदमियों को 100 आदमियों को नौकरी दे सकता है। इस प्रकार के शिक्षा का विकास हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो सर्वांगीण विकास है और उसके लिए जो पिता माता ये मत सोचे कि हम स्कूल को भेज करके पिताजी से मतलब बच्चों से मुक्ति पाए, नहीं, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आजकल सिस्टम बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अब बहुत सारे स्कूल में ऐसे एक आप आ गया जिस एप्लीकेशन के आधार पर क्लास में जब अटेंडेंस लेता है और शिक्षक लेते हैं और तुरंत बटन दबाने से वो पेरेंट्स के पास चला जाता है और प्रिंसिपल के पास चला जाता है, आपको मालूम पड़ेगा आपका बालक स्कूल में है या कहाँ बाहर है, कहाँ पर मौज मस्ती तो नहीं कर रहा है। तो बाद में जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास करके जाते हैं और वो उनको भी सोचना चाहिए ये हमारे लिए विद्या मंदिर है। जैसे बड़े होने के बाद कोई आईएएस बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, क्या हमारे बिजनेसमैन बनते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलता है, उसको सोचना चाहिए अपना व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ जैसे वो परिवार का उन्नति को देखता है, जहाँ से वो विद्या पाई है, जहाँ से वो विद्या अर्जन उन्होंने की है, उस संस्था का उन्नति करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया अल्मुनाई पूर्व छात्र, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आज जो 12th पास करके जाएंगे 11th करके जाएंगे उनका प्रोग्रेशन होगा, लेकिन प्रोग्रेशन से नौकरी करने के बाद वो केवल अपना व्यक्तिगत अपने बच्चों का ध्यान न दें, पेरेंट्स का ध्यान दें। आजकल ये स्थिति हो गई कि विदेशी से स्थिति आ गई, हम जो है ना वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने घर में नहीं है, आजकल जॉइंट फैमिली की कंसेप्ट खत्म हो गया और पिता माता जो तरसते हैं कि हम अपने बच्चों के पास रहे, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है, कोई पैकेज के लिए विदेश में रहते हैं और अंतिम समय भी वो आ नहीं पाते हैं और उनके डेड बॉडी को रखना पड़ता है, और विदेशी जैसे यहाँ पर भी हमारे वृद्धाश्रम भी बहुत खुल गए। तो इस प्रकार के जो पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमम तप पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, ये कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इसको जीवित करना है कि हमारे जो तीन ऋण से व्यक्ति पैदा होता है जन्म से, पितृऋण और ऋषि ऋण और देवऋण, देवऋण से मुक्ति पाने के लिए हम जैसे पैदा होते हैं हमारे पास वायु पानी भोजन ये सब कुछ प्रकृति हमको देती है, इसलिए प्रकृति को बनाने वाले जो ईश्वर है, जो भी धारणा है वो किसी भी धर्म का हो लेकिन कोई ना कोई सुपर पावर है, उनके प्रति हमारे अधर्म का प्रकाश करना ऑब्लिगेशन रखना, ये हो गया हमारा देवऋण। ऋषिऋण जितना हमारी विद्याएं हैं हम पढ़ नहीं पाते, जीवन बहुत स्वल्प है और आधा समय तो सोने में चला जाता है, बस अगर 70 साल जीवित हुए और बुढ़ापा में फिर बचपन में रोग में कोई परिवार में देहांत होता है और सेवा में चला जाता है, पढ़ने के लिए कम समय मिलता है, हमारे ज्ञान अनंत है और उसको पढ़ना इससे ऋषिऋण से मुक्ति। पितृऋण की कंसेप्ट है कि अपने जितना अपने बच्चों को देखना है उतने अपने पिता माता को देखना है, इसी प्रकार के आप बच्चों को ट्रेन करिए वो पितृ मातृ भक्त बने और उसके साथ साथ जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को जितना ध्यान दे अपने सास ससुर और पिता माता को भी उतना ध्यान दे, इस प्रकार की भारतीय परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम तब आगे बन पाएगा। और भारत जो है विश्व गुरु इसीलिए है क्यों कि उसका जो नीति है वो नीति दूसरे देश से अलग है, हम जो शरण में आता है उनको नहीं मारते हैं, अब देखिए दूसरे लोग जो दूसरे देश इसको भागा रहा है हम शरण दे रहे हैं, कितना कष्ट में है फिर भी हम हमारा धर्म है हम शरण देते हैं, हम कभी किसी के देश के प्रति हम जिसको कहते हैं जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं अग्रेनाइजमेंट नहीं रखते हैं, हम अपने में सीमित रहते हैं, लेकिन इतना नहीं हमको कोई आक्रमण करे हम प्रतिहात नहीं करेंगे, इसी बात नहीं है और इतना ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, इस प्रकार के संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। और मैं समझता हूँ कि जो दौड़ता है
If one is running, he should not walk. If one is walking, he should not stand up. If one is standing up, he should not sit down. If one is sitting down, he should not lie down. Because progress is life and stagnation is death. You should always remember. और हमारे प्राचार्य जी अपने भाषण में प्रगति भाषण में विश्व महाविद्यालय के प्रगति के बारे में बताते हुए बहुत सारे शेर शायर कर गए और उनसे मुझे प्रेरणा मिली एक शब्द बाय एक लाइन बोल करके मैं अपने वाणी को विश्रांति देना चाहूँगा। प्रगति के अंकुर उस घर में ही फूटते हैं। प्रगति के अंकुर उस घर में ही फूटते हैं जिस घर की दीवारें संकल्प से मजबूत की गई। तो ये संकल्प, ये आप बच्चे को संकल्प करें, ये मुझे ही करना है। बच्चे से संकल्प रखें, पिता माता भी संकल्प रखें। अंत में कभी संघर्ष से नहीं हारना है, उसके लिए एक पंक्ति, जिंदगी में कभी उदास मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किस बात पर निराश ना होना। जिंदगी है संघर्ष, जिंदगी है संघर्ष, चलती ही रहेगी। कभी हार कर अपने जीने का अंदाज मत खोना। इसके साथ आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और कुछ मैं अपने भावनाओं का आपके सामने रखा। और मैं तो उच्च शिक्षा को देखता हूँ, मैं अपने शक्ति के अनुसार कोल्हान मंडल में तीनों जनपद में, पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकला खरसुआ में उच्च शिक्षा में विकास करने के लिए जो मेरे पास संसाधन है, जो मेरे पास शक्ति है, करता हूँ। मैं जो करता हूँ अखबार के माध्यम से, और आपके बच्चे जब उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं उसके माध्यम से आपके पास आता है। कोई भी सजेशन, मेरा मोबाइल हर वक्त खुला रहता है, कोई भी सजेशन हो उच्च शिक्षा विकास करने के लिए। आप यहाँ पर बहुत मान्यगण्य व्यक्ति है, राजनीतिक है, समाज सेवी है और बुद्धिजीवी वर्ग है और पेरेंट्स है, और सभी को मैं अनुरोध करता हूँ उच्च शिक्षा के विकास के लिए जो भी सुझाव देंगे मुझे वो ग्राह्य होगा। और मुझे आपने बुलाया, इतने समय तक सुना, इसलिए मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ पुनः इस संस्था के जो अध्यक्ष है, जो डायरेक्टर है सरंगी जी को, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उनने स्मरण किया। धन्यवाद। सच हम्बल मैन ही इज, उन्होंने ज्ञान के सागर को एक गागर में भरकर हमें दे दिया। हम चाहेंगे कि आप उनको तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और इसी के साथ मैं अपने अगले अतिथि को बुलाना चाहूंगा मंच पर, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी IAS, कि वो मंच पर आए और हमारे बच्चों को कुछ शब्दों में अपने ज्ञान, अपने उत्साह और ऊर्जा से इंस्पायर करें। धन्यवाद। कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में, वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल एवं कॉन्सेप्ट पब्लिक फाउंडेशन के चेयरमैन, कोल्हान यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, समाज में कार्यरत निरंतर निस्वार्थ भाव से योगदान देने वाले सभी समाज सेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेतागण इस प्रांगण में आमंत्रित सभी एलुमनाय, उनके अभिभावक, उनके माता पिता, कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षकगण, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी जिस तरीके से भी योगदान दिया है, सभी लोगों को मेरा जोहार और नमस्कार। जब मैं चेयरमैन साहब से बात कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई उनके विजन को जान करके, और ये बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने समाज और
शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया। ये दोनों इस तरीके से संबंधित है कि शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मैं पुनः उन्हें सम्मानित करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, जो निस्वार्थ भाव से समाज में रहकर समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि समाज के बिना शासन, प्रशासन, लोकतंत्र अधूरा है। लोकतंत्र को अगर हम प्रभावशाली, समाज को, प्रशासन को प्रभावशाली और कुशल देखना चाहते हैं तो उसके लिए समाज का सशक्त होना बहुत जरूरी है। सभी के योगदान का अति महत्व है। तो यहाँ पे एलुमनाय को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उनका कुछ अचीवमेंट है, कुछ एनआईटी में और नीट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कुछ स्पोर्ट्स में। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि आप इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल हैं। आप अपना मार्गदर्शन बना के रखें, इस संस्था के लिए आप ऐसा कुछ करते रहें जिससे संस्था को और इसमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को लाभ मिले। देखिए, एक बात मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा कुलहान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी का, जिन्होंने इतिहास के पन्ने को खंगालते हुए आपको मार्गदर्शित कराए। बट उन्हीं इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन जब तक उनका शासन रहा क्या जनता खुश थी? जनता परेशान रही। कई महान पुरुषों ने यह कहा है कि शिक्षा से आप कौशल तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा जिसमें नैतिक मूल्य नहीं है वो शिक्षा खतरनाक है। इसीलिए नैतिक मूल्यों की केवल जानकारी ही नहीं, उसका अभ्यास, वो हमारे आचरण में दिखना चाहिए, तभी इस समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तभी जो हम प्रभाव लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं, जो बदलाव हम चाहते हैं, वो संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि जो एलुमनाई है वो नैतिक मूल्यों के साथ अपना कौशल का विकास करते हुए समाज में योगदान देंगे। और अभी 10th और 12th के बच्चों का वार्षिक एग्जाम भी होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, तो मैं उन सभी को शुभकामना देना चाहूंगा कि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें। और एग्जाम में वही बातें हैं कि आप मेहनत करें और एग्जाम के टाइम पे आप वो शांत स्वभाव, बिना परेशान हुए उन सवालों को कीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप उन सवालों को करें जिसमें आपको कठिनाई हो रही है या फिर जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। बट इसमें यह सुझाव रहेगा मेरा कि आप जब उन कठिन सवालों को कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सवाल का उत्तर करें जिससे कि आपको स्टेप मार्किंग मिल सके। ऐसा ना करें कि आप इस तरीके से बिना फ्लो के आप आंसर लिख रहे हैं कि या तो आपको जीरो मिलेगा नहीं तो फुल मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रदर्शन काफी अच्छा हो सकता है। मैं फिर से समाज में जो कार्यरत समाज सेवी हमको संबोधित करते हुए बोलना चाहूंगा कि समाज का जागरूक होना, संवेदनशील होना, सशक्त होना, संगठित होना उस इकोसिस्टम के लिए जरूरी है जिसके लिए चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे। आपका योगदान अति प्रशंसनीय है, अति सराहनीय है और मैं कई बार आपको धन्यवाद दूंगा। और इससे प्रेरणा हम सभी को लेना है कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जनहित में अपना
प्रायोरिटी जरूर रखना है। एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंक्लूसिव, खुद का ज्ञान और विवेक के दृष्टिकोण से तो विकसित करना ही है, खुद को तो मजबूत करना ही है, बट समाज और जनहित में भी कार्य करना है, तभी आपके जीवन का मकसद पूरा समझा जाएगा। यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हमारे लवासना में एक जो एंथम है उसमें एक लाइन है बहुत ही प्रिय लगता है और बहुत ही प्रभावशाली है, रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उच्चा सिर, डरो ना। चेयरमैन साहब, वाइस चांसलर साहब, सभी ने यही जिक्र किया है कि धर्म नैतिक मूल्य में धीर रहना है, कर्म में वीर रहना है और डरना नहीं है। चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो डरना नहीं है, डरने से सबसे पहला नुकसान खुद का होता है कि खुद का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। आप कोई भी क्षेत्र का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे यूपीएससी की बात कर ले, डर करके यूपीएससी तो निकाला ही नहीं जा सकता। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो आप अपने सर को ऊंचा रखें और डरे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्रांगण में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर के बोलने का मौका प्रदान किया गया, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Learn from a man and his experience. He is truly a genius and a master personality. He not only addressed you, but also did his work as he is an IAS. He demonstrated his talent, his knowledge, his service, and he continued doing it here as well. I would like to tell every student and everyone present to pay heed to his word, and definitely this will bring laurel and glory. I would like to call the students to continue the program further with a cultural extravaganza. First is Ganesh Vandana, and the students are here waiting for quite a long time. Please give them a huge round of applause and boost their morals. This will set their spirits high. जाएगा कॉपीराइट आ जाएगा ना, उसको बंद भी करना पड़ेगा तुमको। सेट कर देंगे तो क्लियर नहीं आएगा। हटो तुम आगे, हटो।